इसमें पर्सन खुद को बहुत आला ज़र्फ़ समझता है कि लाइक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ़ समझता है कि बस मैं हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है और ये मेल हज़रात में ज़्यादा होता है या फीमेल में? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फतीहा अशरफ। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है वो 18 ईयर में डायग्नोस किया जाता है। इसमें पर्सन खुद को बहुत आला ज़र्फ समझता है कि लाइक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आला ज़र्फ समझता है कि बस मैं हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। खुद को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है कि बस। इसमें पर्सन में ये भी होता है कि अगर उसकी तारीफ़ जो है वो सुबह से शाम तक भी की जाए तब भी वो कहेगा कि आप लोगों ने मेरी तारीफ़ नहीं की। मतलब पर्सन को अपने आप की तारीफ़ सुनने की आदत होती है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये बचपन से डेवलप होता है, क्योंकि पर्सनालिटी के जितने भी डिसऑर्डर हैं ये सब बचपन से डेवलप होते हैं। लाइक हम बचपन से बच्चों को झूठ बोलना अगर आप आदत पड़ जाती है, बच्चों को बचपन से ही बच्चों को जो है वो नमाज़ पढ़ने की आदत है, इसी तरह हम पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर भी बचपन से डिवेल्प होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़िद्दी और ढीठ किस्म के डिसऑर्डर होते हैं। ज़िद्दी और ढीठ किस्म के क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें पर्सन जो है वो अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ता। वो सबसे पहले अपने आप को मानता ही नहीं है कि वो बीमार है या उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू है। वो यही कहता है कि वो ओके है और इसीलिए वो ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जाते। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अगर इनके लाइफ पार्टनर की बात करें तो इनके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत ही टफ टाइम होता है, क्योंकि ये हर टाइम अपने लाइफ पार्टनर को सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये कहते हैं कि मैं ही बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, अच्छा हूँ, इसीलिए आपने मेरे साथ गुजारा किया। और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मोस्टली मेल हज़रात में ज़्यादा होता है। हम अक्सर कहते हैं कि लाइक फ़ीमेल अपनी अदाओं से मोहब्बत करती हैं, शायद फ़ीमेल में हो, लेकिन नहीं, नार्सिसिस्टिक जो है खुद पसंदी जो है मेल हज़रात में ज़्यादा होती है। और इनके लाइफ पार्टनर की वजह से लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में होती है, क्योंकि ऐसे शख्स के साथ मैनेज करना जिसे हमेशा अपनी ही पड़ी है और दूसरों की उसको कोई मतलब इमोशंस की कोई कदर नहीं होती। वो यही कहता है कि लाइक मैं सबसे बढ़कर हूँ, मुझे इंपॉर्टेंस मिले, मेरी बात हो। और अपने लाइफ पार्टनर को छोटी छोटी बात पर इंसल्ट करते हैं, उनके मतलब केयर नहीं करते, कुछ भी है तो उसकी बस बेजा उनकी इंसल्ट करने में ही वो जो है वो हैप्पीनेस फील करते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एक टफ डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर की अगर ट्रीटमेंट प्लान पर बात करें तो सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस। कहीं ना कहीं इन लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों में कोई भी इमोशन नहीं होता, ये दूसरों को समझते ही नहीं है कुछ, इसलिए इन लोगों को थेरेपी की ज़रूरत है। और ये ट्रीटमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम चलता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।